छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के सोनसाटोला गांव में 3 दिसंबर से शिक्षा कर्मियों की हड़ताल चल रहा है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रहा है। अब ये शिक्षा कर्मियों के हड़ताल के कारण क्या है, अब अपन एक ही शिक्षक हो गए, अब उसके कारण क्या है कि कहीं पे बच्चों को छोड़ के या साला बंद करके जाना भी नहीं पड़ता। और इस बीच यदि जैसे कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे कि उस दिन मीटिंग माने संकुल में होने वाली थी, तो अब वहाँ बुलाया गया था, मगर अपन तो यहाँ एक शिक्षक, इसके कारण अपन वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि यदि जाते तो बच्चे लोगों को छुट्टी देना पड़ता, साला बंद हो जाती। अभी हड़ताल चल रहा है, इसलिए मैं पहली और दूसरी कक्षा को संभालता हूँ और उसे उन लोगों को सांग करके अनारामा और गिनती ABCD पढ़ाता हूँ। किसका हड़ताल चल रहा है? शिक्षक कर्मी। अगर शिक्षक कर्मी वापस नहीं लौटते हैं तो बच्चों की पढ़ाई आगे कैसे हो सकता है? अब ये तो शासन के ऊपर में है कि वो क्या व्यवस्था करती है, वो जाने, क्योंकि परीक्षा परिणाम में तो फर्क आएगा। नहीं, यदि शिक्षा कर्मी अभी भी आ जाएंगे लौट के, तो उन लोग क्या है, एक्स्ट्रा क्लास ले करके जैसे भी है कोर्स पूरा करके उन लोग अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। परीक्षा 5वीं कक्षा के बच्चे हैं तो केवल अनाराम सिखा पा रहे हैं, तो बच्चे से थोड़ी ना स्कूल चलेगा, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बच्चों की पढ़ाई आगे हो, सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को खतरा में न डाला जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपना तो मांग करें, लेकिन ऐसा कोई व्यापक योजना बने जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि इस मुद्दे पर पहल जरूर करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।